अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम नंबर 47 है। वो कहता है 75 ग्राम की एक फ्रिस्बी है जिसे हम थ्रो करते हैं 1.1 मीटर अबव द ग्राउंड। उसकी इब्तदाई स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। वो कहता है जब ये 2.1 मीटर की हाइट पे पहुंचती है तो इसकी स्पीड 10.5 हो जाती है। वो कहता है रिडक्शन बताओ जो मैकेनिकल एनर्जी में होगी फ्रिस्बी अर्थ सिस्टम में बिकॉज ऑफ अर्थ एयर ड्रैग, यानी एक तरह से वही थर्मल बतानी है कितना लॉस आ रहा है। तो हम जानते हैं जितनी थर्मल एनर्जी की चेंज होगी वो उतनी होगी जितनी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर लॉस आएगा, ठीक है। तो वो हमने मैकेनिकल एनर्जी लिख दी। टोटल मैकेनिक किसकी होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। नेगेटिव साइन डिक्रीज को शो करेगा, ये नेगेटिव अंदर चला जाएगा, ऑर्डर इनके चेंज हो जाएंगे, इनिशियल वैल्यू शुरू में आ जाएंगी। अब क्या है जनाब, हमें मास पता है 75 ग्राम, तो उसे मैंने केजी में लिख दिया। हमें फाइन आपके पास की वेलोसिटी पता है कितनी है जनाब, आपके पास इब्तदाई वेलोसिटी 12 मीटर थी तो 12 आ गई, बाद की कितनी थी 10.5 वो आ गई। फिर एम जी चेंज इन हाइट आ जाएगा, एम भी पता है, जी भी पता है, हाइट की चेंज भी पता है, तो ये सारे को सॉल्व करेंगे तो 0.53 जूल आएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।